हेलो दोस्तों, पार्ट वन में हमने देखा साहिबगंज से पीर पैंती तक का सफ़र जो कि हमने इंटरसिटी से तय किया था, और पार्ट टू में हम लोग पीर पैंती से काली प्रसाद तक के सफ़र को एक्सप्लोर करेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ट्रेन हमारी दो नंबर पर रुकी थी और हम जा रहे हैं एक नंबर पर। सब साधन है दोस्तों, डेवलपमेंट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं पीर पैंती स्टेशन पर और यहाँ पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्य जोर शोर से चल रहा है। आइए आपको दिखलाते हैं कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुमार सिंह और अभी हम हैं पीर पैंती स्टेशन पर और यहां पर अमृत स्टेशन भारत योजना के तहत कार्य बहुत जोरों शोर से हो रहा है। वही आपको दिखलाते हैं कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये स्टेशन इम्प्रूवमेंट का काम हो रहा है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पीर पैंती स्टेशन जो कि बिहार में पड़ता है और यहाँ का कार्य जो है, यहाँ पर भी अमृत स्टेशन योजना के तहत काफ़ी अच्छी रकम मिली हुई है जिससे कि स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है दोस्तों। तो लगभग दो तीन ही महीनों बाद आप स्टेशन को देखेंगे कि स्टेशन आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा। यह है आपका पीर पैंती स्टेशन जो कि बिहार राज्य का स्टेशन है। तो आइए दोस्तों, आप पीर पैंती स्टेशन के अंदर का व्यू देखते हैं कि वो किस प्रकार का है। यहाँ पर नीचे टाइल्स लगाने का काम और ऊपर में सीलिंग का काम किया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। और इसके बाद हम लोग टोटो लेकर चलेंगे काली प्रसाद। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आखिरकार डेढ़ घंटे के इंतज़ार करने के बाद टेम्पू वाले भैया ने टेम्पू खचाखच भर लिया और उसके बाद टेम्पू को स्टार्ट किया और उसके बाद हम लोग पीर पैंती रोड होते हुए आगे की ओर बढ़ चले। और जब हमने देखा कि रोड इतनी अच्छी थी, और झारखंड में इतनी अच्छी रोड देखने के लिए नहीं मिल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर की रोड काफ़ी स्मूथ और काफ़ी प्लेन थी तो हमें यात्रा करने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि आगे का सफ़र किस प्रकार का होता है। हमारे बाईं तरफ तो आप देख पा रहे होंगे ये पीर पैंती का ब्लॉक है और हमारे टोटो ब्लॉक को भी आराम से पार करते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि आज माँ की पूर्णिमा का मेला है, तो आगे जो है आपको वहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई देगा। एक दिछु पुखर करके पड़ता है, वहाँ पर ही ये माघ पूर्णिमा का जो है मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार का ये मेला होने वाला है और कितनी भीड़ होने वाली है। तो ये है गूगल मैप और हम लोग आगे चलेंगे और हमारे राइट तरफ पड़ेगा मीनाक्षी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, और यही रोड पीर पैंती रोड पकड़ करके आप आगे चले जाएंगे तो आपकी बाईं तरफ ब्लॉक पड़ेगा और यही रोड आप बिल्कुल सीधे चले जाएंगे और बिल्कुल आपको यहां पर पड़ेगा एक जिछू पोखर और इस पोखर के बाद आप पास आपको बाएँ लेना पड़ेगा और वहाँ पर पीर पैंती बाज़ार से होते हुए आप बिल्कुल इसी रोड को पकड़ते हुए चले जाएँगे टोपरा। और यहाँ पर आपको इसी रास्ते में आपको टोपरा टोला क्रिकेट ग्राउंड और मिलेगा और यही रास्ता आपको सीधे ले जाएगा काली प्रसाद चौक तक। और तो आपको बता दें कि आज माघ पूर्णिमा मेला लगा हुआ है और जो रास्ते में जो लोग दिख रहे हैं ये माघ पूर्णिमा मेला ही देखने के लिए जा रहे हैं कुछ लोग। तो ये मेला जो है ये दिछु पोखर के पास लगा हुआ है, तो हम लोग अभी उधर से ही गुजरेंगे। तो चलिए इस सफ़र को और सुहाना करते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे के गंतव्य की ओर। यह
शहीद द्विज पोखर है और जो माघी पूर्णिमा का मेला जो है वो यहीं लगा हुआ है दोस्तों। आइए आपको जूम करके दिखलाते हैं। ये यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर ये द्विज पोखर है और इसी पोखर के किनारे पर ये मेला लगा हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग जो हैं उसी मेला का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पहुँचे हुए हैं। काफ़ी भीड़ है आगे में और भी अधिक भीड़ आपको दिखलाई देगी दोस्तों। और पीर 35 चौक के पास तो भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि हमारी टेम्पो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी और हम लोग लगभग 10 मिनट 15 मिनट वेट करने के बाद सारे ट्रैफिक को हटाने के बाद फिर आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ है। तो जब हम लोग पीर 35 बाज़ार से कुछ आगे बढ़े और अपने गाँव के रास्ते को पकड़े तब जाके कुछ जान में जाना है। काफ़ी भीड़ भाड़ से आप लोग निकलते हुए अब हम लोग अपने गांव के रास्ते पर पहुंच रहे थे दोस्तों। यहां से आपको बता दें कि बड़ी दिलौरी की तरफ राइट टर्न से लेते हुए एक रास्ता उस तरफ चला जाता है और ये रास्ता जो है वो आपको टोपरा गांव की तरफ लेकर के जाएगा। और आप देखिए खेतों में कितनी हरियाली है बिल्कुल दोनों तरफ। मैं तो एक तरफ का आपको बता रहा हूँ, मेरी बाएँ तरफ जो है पूरे खेतों में कहीं गेहूं लगा हुआ है तो कहीं मक्का लगा हुआ है और खेत काफ़ी अच्छे बिल्कुल सुंदर प्रतीत हो रहा है दोस्तों। देखिए आपको अच्छे से दिखलाता हूं। आइए दोस्तों सनसेट दिखलाता हूं, कितना सुंदर सूर्यास्त हो रहा है यहां पर। बहुत छोटा सा था आपको दिखलाएं और ये मैं बैठा हुआ हूँ टेम्पो में और हमारी टेम्पो बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है और ये हम लोग पहुँच गए हैं टोपरा गांव। टोपरा गांव से अब कुछ ही दूर लगभग 5-10 मिनट बाद हम लोग काली प्रसाद चौक पहुँच जाएंगे। टोपरा टोला से कुछ ही आगे पड़ेगा कामर टोला और कामर टोला से बस पाँच मिनट के आगे जो है आपको काली प्रसाद चौक, जिसे कि टमटम स्टैंड के नाम से भी जानते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो बस अब थोड़ा ही इंतज़ार बचा है दोस्तों। तो बताइएगा कि किस प्रकार का लग रहा है आपको ये ब्लॉग। काली प्रसाद में एंटर ले लिए हैं और ये हमारे बाईं तरफ मक्के की फसल कितनी बड़ी हो गई है आप देख रहे होंगे और एक दो केले के भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बस अब हमारा जो है इंतज़ार वो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे काली प्रसाद चौक, टेम्पो स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो बस अब पहुँच रहे हैं हम लोग वहाँ पर। यह है दोस्तों काली प्रसाद चौक, जिसे कि टेम्पो स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर से आपको बताते हैं कि कौन सा रास्ता किस दिशा की तरफ जाती है। तो ये जो रास्ता है अगर आप इधर देखेंगे तो ये आपको खवासपुर की तरफ ले जाएगा और ये फेकू टोला की तरफ। और आपको बताते हैं कि इस दिशा से हम लोग आए थे, ये सामने का रास्ता जो टोपरा और कामर टोला की तरफ से आए थे। तो ये था काली प्रसाद चौक और आइए आपको अब आगे। काली प्रसाद चौक से थोड़ी ही आगे पर आपको मिलेगा काली स्थान, माँ काली का मंदिर, जो कि हम यहाँ पर सुबह सुबह आ गए माँ काली के दर्शन करने के लिए। तो अभी जो इनका दरवाज़ा है वो बंद है और ये इनके बाहर का कैंपस देखिए किस प्रकार का है, काफ़ी साफ़ सुथरा और बढ़िया। यहाँ पर माँ काली की पूजा होती है और इन्हीं के नाम पर काली प्रसाद इस गाँव का नाम रखा गया है। तो आइए अब काली प्रसाद के मध्य विद्यालय को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये काफ़ी बड़े कैंपस में फैला हुआ, काफ़ी बड़े परिसर में फैला हुआ ये मध्य विद्यालय है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है और आज संडे है इसलिए स्कूल बंद है, लेकिन यहाँ पर बच्चे फिर भी क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है इसका
और देखिए अभी स्कूल को काफ़ी रंगा दिया गया है और काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। और यही है काली प्रसाद का मध्य विद्यालय, जो कि आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने बथान, अपने गाय के पास, और गाय की सेवा करने के लिए। ये हमारी प्यारी गाय है जो कि अभी बैठी हुई है, और देखिए किस इतने दिन बाद मिलने के बाद ये किस प्रकार से मुझे पहचान नहीं पा रही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।